नमस्कार बच्चों, आज बीए फाइनल वालों को सुमित्रा नंदन पंत की अगली कविता परिवर्तन पढ़ाएंगे। परिवर्तन की जैसा देखा जा रहा है कि आज 5 तारीख है, शिक्षक दिवस पे है और हर शिक्षक दिवस पे आप लोग साथ में थे और इस बार शिक्षक सिर्फ अकेले हैं और स्टूडेंट अलग हैं और यही देखिए परिवर्तन है। ये तो जगत का नियम है परिवर्तन। और हम अपने शिक्षक जिन्होंने मुझे यहाँ लाने के लिए तत्पर किया, मतलब उस काबिल बनाया, उस शिक्षक को सत सत नमन। और देखिए बच्चों, आज है जो सब्जेक्ट आपका, जिस चल रहा है जो परिवर्तन, जो कालचक्र चल रहा है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, यहाँ पे कवि ने यही कहना चाहा है कि जब सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है और ये परिवर्तन मतलब बदलता जा रहा है, ये संसार का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, उसी कालचक्र के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कवि ने यहाँ पे कालचक्र में मानव जीवन और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका कवि ने बहुत गतिशील और प्रभाव उत्पादक और हृदय स्पर्शी बिंब खींचा है इस कविता के माध्यम से, लोगों आप लोगों को बताया है। और उन्होंने कहा कि अभी आनंद और उत्साह का समय है कि परिवर्तन की एक दृष्टि में वहाँ शोक, मृत्यु और उदासी छा जाती है। अब कवि ने परिवर्तन को बहुत विराट स्वरूप दिया। कवि के अनुसार सृष्टि में, प्रकृति में जहाँ कहीं जो कुछ घटित हो रहा है इस परिवर्तन के कारण ही है, परंतु इस सब घटनाओं में मानव जीवन दर्शन, सृष्टि का नियत क्रम और सुख के बाद दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुनिश्चित व्यवस्था है। और इस प्रकार इस कविता परिवर्तन को अलौकिक विराटता में संयोजता और संपूर्ण सृष्टि में उसकी व्यापकता, प्रभाव और परिणाम को देखती है। इस कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि किस प्रकार ये परिवर्तन ही जगत का नियम है, सृष्टि का नियम है, जिस जहाँ भी घटित हो रहा है इस परिवर्तन के द्वारा ही घटित हो रहा है। आप देखेंगे परिवर्तन में होगा कि कभी हम लोग का भी समय कैसा रहा होगा, हम एक नन्हे से बालक रहे होंगे, फिर बड़े हुए, फिर हम लोग मतलब और बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होंगे, फिर मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार जो नियम है, फिर हमारी जगह पे कोई और आएगा, यहाँ पढ़ाएगा कोई विषय, मतलब देखिए कभी हम आपके स्टूडेंट हैं, कभी उस शिक्षक के स्टूडेंट थे, आज हम आपके शिक्षक हैं। इस तरीके से कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही परिवर्तन बदलता रहता है, कभी आप भी हमारे बाद में कभी इससे बड़े होंगे। और ये शुभकामना है कि आप भी मतलब अपने जो भी आपकी सोच हो बनने की या करने की, तरक्की जिसमें, उसमें आप लोग आगे बढ़ें। और देखिए यहाँ पे इसी परिवर्तन का कवि बताना चाह रहा है कि परिवर्तन एक ऐसी लंबी कविता है, ये सुमित्रा नंदन पंत की, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, जो लंबी कविता है जिसमें कवि ने छायावादी जो पंत कह रहे हैं कि हो रहे हैं, इन्होंने अपने मानसिक परिवर्तन की सृष्टि की है, मतलब कि आहट है इन्हों, जिसमें छायावादी पंत में हो रहे मानसिक परिवर्तन की आहट है, ये कवि के मानसिक परिवर्तन की आहट है, उसके मानसिक में जो घटित हो रहा है परिवर्तन उसी की आहट है, इस कविता के माध्यम से कवि ने सबके सामने प्रेषित किया है। उन्होंने कहा इसमें प्रकृति के कोमल और कठोर चित्रों के साथ साथ भाग्यवाद और निराशावाद के स्वर भी प्रस्फुटित होते हैं, बांधे हुए हैं, जो इस कविता में खंडों में एकता स्थापित करते हैं। देखिए इसमें एक निराशावाद भी है और इधर आनंद भी है, आनंद से लेके मानवतावाद, भाग्यवाद, जी मतलब परिवर्तन यही है। कहते हैं ना कि कभी हम अमीर थे, अब गरीब हो गए, या फिर अभी गरीब थे, अब वो समय नहीं हो गया, परिवर्तन आ गया, अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं, ऐसे हो गए, ये समय सबके साथ घटित होता है, कोई ना कोई मतलब बराबर वैसे ही वैसा का वैसा नहीं बना रहता। आज मतलब कोई बहुत ज़्यादा माना जाता है कि भाई बहुत महान व्यक्तित्व तो है इनका, बहुत ऐसे हैं बचपन से ऐसे, कल इनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता, ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन। इसी पर इन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत ने ये कविता लिखी है परिवर्तन। अब थोड़ा सा इसका व्याख्या कर लिया जाए। देखिए ये किस काव्य संग्रह से है, तो पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। पल्लव माने क्या होता है, कवि, नया कविता, पल्लव नहीं, पंक्तियों में आपने देखा होगा कि जो नई नई कोपले निकलती हैं पत्तियों में, जो नई नई पत्तियाँ निकलती हैं नए पत्ते को क्या कहते हैं, पल्लव कहते हैं। तो वही पल्लव मतलब वहाँ पे नए संसार का पल्लव, इनका काव्य संग्रह था सुमित्रा नंदन पंत का, और उसी काव्य संग्रह में ये परिवर्तन कविता, परिवर्तन कविता उसी से ली गई है। अब थोड़ा सा देखते हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगति का भाल,
राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रश्नों के शाश्वत सिंगार, स्वर्ग भ्रंगों के गंध विहार। अब देखिए यहाँ पे कविता में कवि कहना क्या चाहता है इसमें कि वो दिन कहाँ गए जब हमारा भारत स्वर्ण युग कहा जाता, स्वर्ण काल, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब समय कहाँ गया। अब तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, दारिद्र, वो कृष्ण राम का समय कहाँ गया जब द्वापर युग चल रहा था, त्रेता युग चला था, वो समय कहाँ गया कि एक दूसरे के भक्त थे, इतना लोग मतलब मान सम्मान, झूठ सत्यता था, मतलब सत्यता का बोलबाला था। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल। स्वर्ण काल आप हिंदी में क्या, इतिहास में देखिए स्वर्ण काल किसको कहते हैं, गुप्त काल को कहते हैं। उस समय कहाँ आज, जब शाहजहाँ का समय था तो उस समय गुप्त काल कहते, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वो प्राचीन समय, वो अति प्राचीन। पूर्ण पुरातन माने होता है अति प्राचीन, अति प्राचीन वह सुवर्ण का काल, जो अति प्राचीन। कहाँ आज वह बहुत पहला, जो बहुत प्राचीन समय था, प्राचीन समय में जो हो रहा था वह सुवर्ण का काल कहाँ गया। वो उस समय कवि यहाँ यही कहता है कि वह स्वर्ण का काल, स्वर्ण माने होता है सुवर्ण, मतलब जिसको अच्छा समय कहते हैं, ठीक है। देश के प्राचीन वैभव को याद करता है यहाँ पे पंत जी, जो देश का, जो सुमित्रानंदन पंत जी, जो हमारा भारत देश था उसके प्राचीन वैभव को याद करता है। वैभव मतलब भूतियाँ, भूतियों माने होता है ऐश्वर्य या वैभव, ठीक है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य या वैभव या संपत्ति या लक्ष्मी, ठीक है, जो पुराना से चले आता है। का दिगंत, दिग्धन अंत, दिशाओं का जहाँ अंत हो वहाँ कहते हैं दिगंत। छवि जाल माने घिरा हुआ, यहाँ पर दिगंत के लिए हो गया। दिशा का विस्तार, दिशा का विस्तार। ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। यहाँ पे दिया है कि ज्योति मतलब, ज्योति माने क्या होता है, उजाला होता है। चुंबित जगती माने होता है पृथ्वी या संसार, यहाँ पे जगती माने पृथ्वी भी होगा और संसार भी होता है, ठीक है, संसार। जगती माने होता है संसार का भाल। राशि राशि विकसित, और इसमें देखिए अगर हम कहा जाए तो यहाँ पे भाल होता है पृथ्वी के लिए कहेंगे, ठीक है, या संसार के लिए कहेंगे। और स्वर्ग, स्वर्ग की सुषमा पर जब साभार, स्वर्ग की सुषमा क्या है, राशि राश में यहाँ पे हो जाएगा कि खंडों खंडों में, ठीक है। स्वर्ग वसुधा कावा यौवन सिंगार, और स्वर्ग की सुषमा जब साभार, साभार के लिए यहाँ पे कहेंगे कि कृतज्ञता पूर्वक, जब हम किसी का आभार प्रकट करते हैं तो वो क्या होगा, कृतज्ञता पूर्वक, ठीक है। आभार, साभार माने कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत सिंगार, स्वर्ग भ्रंगों के गंध विहार। धरा, धरा माने होती है पृथ्वी, अभिसार माने होता है मिलन, अभिसार जब हम किसी से मिलने के लिए उसकी ओर जाते हैं, या फिर किसी प्रेमी जब अपने प्रेमिका से मिलने जाता है या प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अभिसार मतलब मिलन, मिलन। धरा माने होती है पृथ्वी, पृथ्वी। और प्रसूनों के शाश्वत सिंगार, देखिए प्रसून आता है फूल के लिए कहा जाता है, प्रसून, प्रसून माने होता है फूल, फूल, प्रसून फूल होता है। शाश्वत माने होता है निरंतर, जो चिरंतन होता है, हमेशा बना रहता है, चिरंतर, चिरंतन। स्वर्ग भ्रंगो माने होता है भौंरा, एक कीड़ा होता है भौंरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि किस प्रकार कहते हैं कि राशि राशि में दिया गया है कि खंडों से उन्होंने आभिसार किसी से मिलने के लिए, यहाँ पे कवि देखिए क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि समकालीन समाज की राजनीतिक, जैसे कि हमने बताया था कि प्रसंग व्याख्या, प्रसंग माने कितने किस में दिया गया, शब्दार्थ में कठिन शब्दों का अर्थ, तो संदर्भ किससे लिया गया है, प्रसंग
किसके बारे में कहा गया है, व्याख्या उसका अपनी भाषा में अर्थ जो हमारे समझ में आता है, आपके समझ में आता है। ये तो कवि की भाषा है ना, ये कवि ने अपने रूप से लिखा है, लेकिन वो कहना क्या चाहता है इसको अपनी भाषा में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, व्याख्या कहलाता है। और ये आपका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य लिखिए या साहित्यिक सौंदर्य लिखिए, ठीक है, विशेष सौंदर्य, ठीक है, इसको थोड़ा सा बना दे रहे हैं काव्य सौंदर्य में। इसमें होगा विशेष में आप कर देंगे, विशेष में क्या लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं विशेष में, विशेष में आप लिखेंगे कलापच, कलापच और भावपच, मतलब किसके किसके बारे में लिखा जाता है कि किसके बारे में दिया गया है, कलापक्ष भाव सौंदर्य साहित्यिक सौंदर्य भी इसको कहते हैं, विशेष को काव्य सौष्ठव भी कहेंगे, साहित्यिक सौंदर्य भी कहेंगे, साहित्यिक सौंदर्य, ठीक है। अब देखिए संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि या फिर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह के परिवर्तन कविता से लिया गया है। अब यहाँ पे प्रसंग क्या होगा, प्रसंग में होगा कि इसमें कवि ने सामाजिक आधार्मिक जो परिवर्तन है, जो आर्थिक समकालीन समाज में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक विषमताओं और उसमें परिवर्तन लाने वाले प्रयत्नों से प्रेरित होकर देश के अतीत गौरव का वर्णन किया है। देश के अतीत गौरव का, जो अतीत मतलब बीता हुआ, जो बीता हुआ समय था जो बहुत अच्छा था, उसका कवि ने वर्णन किया है। अब ये हो गया आपका प्रसंग। अब व्याख्या में क्या होगा, कहाँ आज वह पूर्ण विरातन, यहाँ पे व्याख्या में कहेंगे पंत जी कहते हैं कि देश के प्राचीन वैभव को याद करते हैं और कहते हैं कि जब वह प्राचीन युग जो शारीरिक आर्थिक धार्मिक और व्यवहारिक दार्शनिक सभी दृष्टियों से क्या था, पूर्ण प्राप्त कर दिया था, स्वर्ण काल कहा, इस स्वर्ण काल उसी को कहते हैं ना जिस काल में सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा हो, कहते हैं ना ये हमारे कि ये मोदी का युग है, ये उनका इसके पहले कांग्रेस का समय था, तो किसका समय बहुत अच्छा था, तो इसको मतलब जिसका समय अच्छा था, जिस समय सब लोग सुखी थे, संपन्न थे, सब चीज़ की सुविधाएं थी, उसको क्या कहेंगे, स्वर्ण काल कहते हैं। तो भारत का स्वर्ण काल अगर इतिहास में पढ़िए तो उसमें गुप्त काल को कहा गया है। तो वो कहते हैं कवि यहाँ कहते हैं कि वो समय कहाँ चला गया, वो उस काल में देश के सभी प्रकार के भौतिक संपत्ति संपन्न था, जितनी भी ऐश्वर्य और वैभव से वो देश उस समय क्या था, संपन्न था, वो कहाँ चला गया। कहते हैं कि ये मतलब जो चारों तरफ भौतिक संपत्ति चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य था का सौंदर्य प्राप्त था और संसार का मुकुटमणि भारत ज्ञान प्रकाश और वैभव की किरणों से भरपूर था, जिस प्रकार अपने प्रियतम का चुंबन पाकर प्रेमिका का यौवन सौंदर्य खिल उठता है, कहते राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार पृथ्वी का संसार का। वसुधा माने होती है धरती, हमारी वसुधा क्या है, धरती है, धरती का जो यौवन मतलब कि जब हरी भरी रहती है, राशि राशि विकसित होकर जैसे विस्तार स्वर्ग की सुषमा का साभा, जैसे कृतज्ञता आभारित कर रहा है। यहाँ पे कवि यही कहता है कि जो पुष्पों की साथ ही सुषमा और वैभवपूर्ण सौंदर्य का स्मरण करते हुए कहता है कि आज वह वैदिक युग नहीं रहा जब यहाँ हम समय बसंत की शोभा विकीर्ण रहती थी, पुष्पों की विचित्रता थी, ऐसा प्रतीत होता था कि इनका सौंदर्य क्या है, चिरंतर है। वैदिक युग में भारत की धरती इतनी धनधान्य और शोभायुक्त थी कि इसकी शोभा से आकर्षित होकर स्वर्ग की शोभा भी कृतज्ञतापूर्वक, स्वर्ग की सुषमा भी क्या होती थी इस पर, इतनी सुंदर थी उस समय धरती, इतनी सुंदर थी, इतना यौवन विस्तार था, जैसे ज्योति चुंबित जगती का भाल, जैसे ज्योति प्रकाशमान था उसकी इतनी मतलब आगे रत्नों मणियों से इतने विपुल भंडार था कि जो उसका यौवन और श्रृंगार का परिचय देता था, यह युग कितना महान था, जबकि स्वर्गीय संदोर सौंदर्य और सुषमा भारत भूमि पर सदा क्रीड़ा करती थी। कवि कहते हैं कशक भरेश्वर में कहता है कि संसार का वह अत्यंत प्राचीन काल कहाँ गया जब पृथ्वी अत्यंत व्यापक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थी, वो समय कहाँ गया, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन सुवर्ण का काल, वह स्वर्ण का काल कहाँ गया जब भूति ऐश्वर्य वैभव से चारों दिशाओं में
क्या था, विस्तार था, ज्योति चुंबित जगती का भाल, और ये संसार जो था ये ज्योति को प्रकाशमान इतना मतलब ऐश्वर्यों से भरा था, धन संपत्ति से भरा था, तो ये क्या कहता, ज्योति को चुंबित कर रहा है। राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन विस्तार, और कहते हैं कि चारों दिशाओं में ये अनेक प्रकार के रत्नों मणियों पुष्पों का विपुल भंडार उसके यौवन का श्रृंगार का परिचय देते थे। स्वर्ग की सुषमा जब साबा, और स्वर्ग की सुषमा भी उसके आगे क्या करती थी, कृतज्ञता मतलब जताती थी कि किस प्रकार कहता था कि संसार खत्म प्राचीन काल था, और इस समय जो संसार के स्वर आभास होता जिसमें सर्वप्रथम मानवीय उद्गारों का व्यक्त किया था, तुषा के प्रतिबिंब सुनौले भौरे सुगंध के कारण उस समय सदैव विहार करते थे, और अपनी गूंज से मानो बार बार प्रथम विचार पावती दोहराया करते थे। प्रथम उद्गार देखिए, धरा पर करती थी अभिशार, धरा पर जो थी हमेशा अभिशार मतलब खेलती थी, मिलने के लिए जिस प्रकार आतुर होती थी, ऐसा मालूम पड़ता था कि स्वर्ग की शोभा भी क्या कर रही थी कि इस समय स्वर्ग की शोभा पीड़ा अभिशार किया करती थी, और खिले हुए पुष्पों पर मंडराने वाले भ्रमर भी प्रातःकालीन अरुणमा में रंगे हुए स्वर्णिम आभा से भरपूर होकर रस संचय करने में निमग्न रहते थे, और भ्रमरों के गुंजाय माधुर से संसार का स्वर सुनहले हुए भौरे से सुगंध करता था। और इस समय देखिए प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसूनों मतलब फूल के जो से पूरा पृथ्वी जैसे लगता था कि श्रृंगार की है, स्वर्ग भौरों के गंध विहार, और भौरे भी इस प्रकार कह रहे हैं बार बार इसी की पुनरावृत्ति भ्रमर गूंज गूंज कर किया करते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव से सामान्य जीवन में सुकुमारता का प्राधान्य है, और सौंदर्य अपने सहज और निरंकत रूप से प्रतिष्ठित अर्थात उस समय नग्न सुंदरता भी सुकुमार लगती थी, उस समय नग्न सुंदरता जो सामने थी वो भी क्या कर ली थी, कोमल लगती थी। यहाँ पे पंत जी ने इसी को बताना चाहा है कि मानव सभ्यता ने आदि क्षणों में ऋषि सिद्धियों अपनी पूर्णता से इस धरती पर प्रतिष्ठित है, जिसमें अपनी मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण कर लेते हैं, और पातिक सुंदर सुषमा आर्थिक संपन्नता जो है जीवन का प्रथम प्रभाव सभी प्रकार की सम्रता और शोभा सरसता का आगार था। कवि कहता है कि आज का युग प्राचीन युग से सर्वथा विपरीत है, विभिषिकाओं से भरा है, आज वे पुरातन वेद और सत्य कहाँ हैं, सभी नष्ट हो गए, आज केवल मानसिक और कायिक दुखों की भरमार है। यहाँ पे कवि इस कविता में ही प्रदर्शित करना चाहता है कि वो सुख कहाँ, जब ऋषियों मुनियों का समय था, जब यज्ञ तप और कितने महान कार्य होते थे उस समय, और उस आज वो समय कहाँ गया, आज तो दुखों का भरमार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। उस पुराने युग को याद कर कवि ने इस कविता में उस बात को व्यक्त किया, उस परिवर्तन की बात को व्यक्त किया है कि आज वो दिन कहाँ गए जब वसुधा यौवन मतलब वसुधा धरती भी ऐसे लगती थी श्रृंगार करके खड़ी है, और उसके श्रृंगार को देखकर स्वर्ग की भी सुषमा क्या करती थी, कृतज्ञता जताती थी। अब देखिए इसके बाद जो है परिवर्तन कविता का दूसरा पंक्ति है, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, नए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरचित जरा मरण भूपात। देखिए इसमें भी कवि ने कहते कि वो समय कहाँ गया जब चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ वैभव संपन्न लोग थे, खुशहाली थी, सत्यता थी, भ्रष्टाचार का कहीं नाम न था, वो समय कहाँ गया, आज वो समय कहाँ गया। यहाँ कवि परिवर्तन का वही नियम बता रहे हैं कि जिस समय पंत जी यहाँ पे कहते थे कि समकालीन समाज की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक धार्मिक विषमताओं में परिवर्तन लाने वाले प्रयत्नों से प्रेरित होकर, कहते हैं कवि वैदिक युग की विषमताओं का उल्लेख करते हुए कह रहा है, जो वैदिक युग था पहले का जो युग था वो वैदिक था, उस समय का उन्होंने उस युग की विशेषताओं गुण का उल्लेख करते हुए उस युग के नष्ट होने पर पछतावा करता है, कि साथ ही उस सुषमा और वैभवपूर्ण सौंदर्य का स्मरण करते हुए कहता है कि आज वह वैदिक युग नहीं रहा जब यहाँ पर हम समय बसंत की शोभा विकीर्ण रहती थी, हर समय क्या थी, बसंत की शोभा विकीर्ण रहती थी, पुष्पों की प्रचुरता में ऐसा प्रतीत होता था कि इनका सौंदर्य चिरंतर है। वैदिक युग में भारत की धरती इतनी धन धान्यपूर्ण और शोभायुक्त थी कि वह इसकी शोभा से आकर्षित होकर स्वर्ग की शोभा को कृतज्ञतापूर्ण दिखाती थी। देखिए यहाँ पे
कवि उसी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार चारों तरफ उस समय संपूर्ण विश्व गूंज उठता था बारंबार। देखिए, गूंज उठता था बारंबार, ये कैसा सृष्टि के प्रथम उद्गार, जब सृष्टि का प्रथम उद्गार था या प्रथम आयाम था, उस समय का कवि वर्णन कर रहा है। देखिए, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार भौरे हमेशा गुंजयान बार बार गूंज उठते थे सृष्टि के प्रथम उद्गार, जैसे सृष्टि का प्रथम उद्गार, तो उस समय जो प्रथम उद्गार था उसको प्रथम उद्गार मतलब होता है प्रथम विचार, जब सुबह उठते थे पहला विचार हमारा जो होता है प्रथम विचार, प्रथम विचार, ठीक है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, वो समय की जो सुंदरता सामने थी, सुंदरता थी वो भी सुकुमार कोमल लग रही थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, रिद्धि और सिद्धि भौरे के कारण जब उन पर सदैव विहार करते थे, जब ये जैसे कि आपने उसके अगले वाले पंक्ति में जो देखा कि हमेशा क्या करते थे, भौरे गुंजायमान हैं और उस समय सुगंध के कारण सदैव उस पर विहार करो अपने गूंज से, मानो वो बार बार प्रथम विचारों की आवृत्ति दोहरा रहे थे। और सृष्टि के प्रथम उद्गार में संभवतः कवि का तात्पर्य अनवरत सुख से है, क्योंकि जब दुख को कोई नहीं जानता था इसलिए सुख ही जीवन का ध्येय और आदर्श बन चुका था, और इसी पुनरावृत्ति को भ्रमर गूंज गूंज कर किया करते थे। उस समय जो सुख था उसी की पुनरावृत्ति को जो भौरे जो हैं गूंज गूंज कर बार बार क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे उस प्रथम विचार को, सृष्टि के प्रथम विचार को बार बार दोहरा रहे हैं। में नग्न सुंदरता थी सुकुमार, नग्न सुंदरता कहते हैं कि जिस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव समान जीवन से सुकुमारता का प्राधान्य था और सौंदर्य अपने सहज और निरंकित रूप में प्रतिष्ठित था, तो उस समय नग्न सुंदरता भी कैसी लगती थी, सुकुमार लगती थी। और कवि का संगीत संभवतः वस्त्रों से अपरिचित होने की ओर है, क्योंकि उस समय जो सुंदरता थी, जब यहाँ पे कवि वही संकेत करता था कि उस समय इतने तरह तरह के वैरायटी के कपड़े नहीं थे, इतनी फैशन जो इस समय फैशन से लोग अपने मतलब पूरा लुक चेंज कर ले रहे हैं, तो उस समय वो जो नग्न सुंदरता भी क्या थी, जो प्राकृतिक मतलब सुंदरता भी क्या करती, कोमल थी। उस समय वस्त्र नहीं थे, लोग वस्त्र नहीं थे, फिर भी वो जो सौंदर्य दिखता था वो एक कोमलता का परिचय दे रहा था। और श्रिद्धि और सिद्धि अपार, ये गणेश जी की दो मतलब पत्नियां मानते हैं कि श्रिद्धि और सिद्धि, आप सिद्धियां जानते होंगे कि आठ सिद्धियां हैं, आठ सिद्धियों के बारे में अक्सर योग के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें आठ सिद्धियों का परिचय दिया गया होगा। तो आठ सिद्धियां कौन कौन सी हैं, तो उसका भी अगर थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दें, आठ सिद्धियां आदिमा लग्मा गरिमा महिमा, आठ सिद्धियां आठ सिद्धियाँ, रिद्धि सिद्धियाँ जो हैं उसमें आठ सिद्धियाँ, जो योग तब तो आप हिंदी में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इसमें भी आपने देखा कि इनका कई काव्य संग्रह जो है उसमें भी उसके नाम से है, अड़िमा गरिमा अड़िमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति 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 प्राकाम्य शिप प्राकाम्य ईशित्व ईशित्व। देखिए, तो तीन चार पाँच ईशित्व वशित्व ईशित्व वाशित्व, ये आठ सिद्धियां हैं। छः सात आठ, ये आठ सिद्धियां हैं। अक्सर हिंदी साहित्य में आप देखेंगे भक्तिकाल में योग का साधना का बताया गया, तो उसमें सिद्धियों का परिचय दिया गया, तो अड़िमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्प ईशित्व अवाशित्व, ठीक है, प्राकाम्य और ईशित्व। अब देखिए, परिवर्तन में जो व्याख्या किया गया है, कवि ने व्याख्या किया है कि किस प्रकार यहाँ पे सौंदर्य अपने सहज नग्न सुंदरता भी थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, उस समय रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ था,
चारों तरफ मानव सभ्यता के आदि क्षणों में ऋषि सिद्धियाँ अपनी पूर्णता से धरती पर प्रतिष्ठित थीं, जिसमें अपनी मनोकामनाओं को तुरंत पूर्ण कर लेते थे। प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा ए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृत का प्रथम प्रभात, संसार का जो प्रथम प्रभात था सौंदर्य सुषमा थी, आर्थिक संपन्नता थी और भावात्मक उत्कर्ष से भारतवर्ष इतना व्याप्त हो चुका था कि उसमें संपूर्ण विश्व का अत्यंतम स्वप्न कहा जा सकता था कि विश्व का मतलब बहुत अच्छा स्वप्न स्वर्ण मतलब स्वर्ण स्वप्न था। संसार का प्रथम प्रभात वह संसार का प्रथम प्रभात या सूर्योदय था जिस समय विश्व का स्वर्ण काल कहा गया है। कहाँ वह सत्य करें, अब इसमें है आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, संसार का वो पहला प्रभात था उस समय जिस समय सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ पूरी भरी हुई थी इस पृथ्वी पर। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वो सत्यता कहाँ गई, वो विख्यात वेद पुराण कहाँ गए। कह रहे हैं आर्थिक संपन्नता और भावात्मक उत्कर्ष, भारतवर्ष इतना उन्नत हो चुका था कि उसमें संपूर्ण विश्व का अन्युत्तम स्वप्न कहा जा सकता है। जीवन का वह प्रथम प्रभात सभी प्रकार की संपन्नता, शोभा और सरसता का आगार था। यहाँ पर कवि कहता है कि आज का युग प्राचीन से सर्वथा विपरीत है। आज का दुरित, दुरित माने होता है पाप, पाप या पापी का ये दुरित पाप, ये भ्रष्टाचार दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, उस समय दुख दारण और ये पाप ये भ्रष्टाचार नहीं था। अपरिचित जरा मरण भूपात, अपरिचित सबसे क्या था, अपरिचित थी, जरा माने होता है बूढ़ा, मरण माने मरने का, और भूपात मतलब जो गिरना होता है पृथ्वी से गिरना, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कवि यही कहता है कि उस पुरातन में सत्य कहाँ है, सभी नष्ट हो गया, आज केवल मानसिक और कायिक दुखों की भरमार है। ये काया अभी क्या है, अभी बूढ़ी हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे इसी का वर्णन कहते हैं, दुरित माने होता है भूपात, माने होता है गिरता, गिरना होता है, ठीक है, और जरा माने होता है बूढ़ा, जरा माने बूढ़ा, कहते हैं ना शरीर जर्जर हो गया है, मरण माने मरना, भू माने पात माने होता है गिरना, ठीक है। ये समय, अब तो समय ऐसा हो गया, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, उस समय सत्यता थी, चारों तरफ वैभव था, धन था, विश्व का स्वर्ण स्वप्न, ऐसे लगता था विश्व ने संसार का वो स्वर्ण स्वप्न था, संस्कृत का प्रथम प्रभात, वो संसार का प्रथम प्रभात स्वर्ण युग के स्वर्ण स्वप्न की भांति था। और यहाँ कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वो सत्यता कहाँ गई, अब तो सारा जो मानवीकरण हो गया है, अब इस समय संसार जो हो गया है, सभी प्रकार की जब जो संपन्नता शोभा थी वो अब विभिषिकाओं में प्राचीन युग से सर्वथा विपरीत हो गई है। अब आज का समय विभिषिकाओं से भरा हुआ है, आज के पुरातन वेद या सत्य कहाँ हैं, सभी क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जरा जर्जर होके खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे कविता का अगला पंक्ति बताएंगे, जैसा कि इस कविता में देखिए आपने पढ़ा कि शुरू से मतलब इसमें इस वाली पंक्ति में था कि पूरी कविता थी, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, शशि राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार, स्वर्ग को सुषमा जब सर भार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्धार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, ए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मूल प्रात, वो कहाँ गया। इस समय परिवर्तन के बाद बताते हैं कि जो संस्कृति माने होता है, संस्कृति माने आप जानते हैं सृजन या संसार कहेंगे, यह हमारा प्रथम सृजन का वो समय था सृजन। यहाँ कवि ने इस पंक्तियों में अगर आप संदर्भ लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह के परिवर्तन कविता से लिया गया है, और इसमें प्रसंग में लिखेंगे, इसमें कवि ने धार्मिक राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं का वर्णन, परिवर्तन आने वाले प्रयत्नों को प्रेरित होकर देश के अतीत गौरव का बखान किया है, गुणगान किया है, जो देश का हमारे अतीत गौरव था, जो पुराना गौरव जिसे प्राप्त है हमारे देश को, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश के गौरव गान का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है।
अब यहाँ पे व्याख्या में लिखेंगे तो व्याख्या में कि उस समय जो भंवरे थे, गुंजायमान थे, उस समय उनकी जो प्रभात का जो समय था कि भंवर गूंज गूंज कर किया करते थे, आदर्श बन चुका था, क्या सुख ही जीवन का आदर्श बन गया था और उसी को बार बार भंवरे गुंजायमान थे। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रभाव और सामान्य जीवन में सुकुमारता का प्राधान्य था, क्योंकि सृष्टि के प्रथम उद्गार जो प्रथम विचार था उसमें नग्न सुंदरता भी सुकुमार जैसी लगती थी। रिद्धि और सिद्धि जो गणेश की पत्तियाँ वो भी क्या थी, भरी हुई थी, अपार थी। नए विश्व का स्वर्ण स्वप्न वो नए विश्व अय विश्व का वो जो स्वर्ण स्वप्न सृजन का जो प्रथम प्रभात था वो कहाँ, अब सत्य वेद विख्यात था, वो सत्य था, वो वेद पुराण की बातें कहाँ गई, अब तो ऋषि मुनि भी नहीं, अब तो सारी ठीक उसका उल्टा हो गया है कि पाप दुरित, मतलब दुरित माने होता है पाप, पाप दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात, और अपरिचित सब बना हुआ था वो सब अपरिचित हो गया, और उस समय जरा बूढ़ा मरण भूपात गिरना ये सब तो इस सबसे सब अपरिचित थे, सब सुख से ही परिचित थे। यहाँ पे कवि ने इस पंक्तियों में इसी व्याख्यान किया है, दूसरे वीडियो में उसकी आगे की पंक्ति। धन्यवाद।